तो भाई लोग, जब मैं 12th के पहले अपनी स्कूलिंग कर रहा था तो मैंने एक यूट्यूब पे एक शो देखा था जिसका नाम था कोटा फैक्ट्री। एंड वो शो मुझसे बहुत ज़्यादा रिलेट किया, एंड उसे केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ एंड बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट थे सारे के सारे मैं उनसे को रिलेट कर पा रहा था। एंड उस शो को मैंने बहुत प्यार दिया एंड और लोगों को बताया, रिकमेंड किया जब वो यूट्यूब पर अवेलेबल था। फिर उसके बाद उसी के कुछ सालों के बाद शो आया कोटा फैक्ट्री सीजन 2, नेटफ्लिक्स के हाथों हाथ बिक चुका था एंड उस पर वो आ चुका था। अब सीजन 2 भी सीजन 1 की तरह बेहतरीन ही रहा और आज ही इसका सीजन 3 ड्रॉप हो चुका है। तो आओ देखते हैं क्या ये इसका सीजन 3 अपनी वो बैलेंस मेंटेन कर पाया या फिर नहीं। तो सीधी बात एंड नो बकवास, चल लो रिव्यू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत होती है जीतू भैया के स्टूडेंट अफेक्शन को लेकर। जो उनका स्टूडेंट अफेक्शन है कहीं ना कहीं उनको हानि करता नजर आता है एंड वो उसी के कारणवश यानी कोटा, सॉरी वो वाला कोटा नहीं, कोटा के कुछ केसेस के द्वारा वो एक डिप्रेशन एंड एंजाइटी की ओर बढ़ते जा रहे होते हैं एंड वो एक थेरेपी सेशन भी ले रहे होते हैं। अगर हम बात करें अपनी कहानी के मेन लीड की यानी कि हमारे वैभव भैया की, यानी कि वो जो बंदा है वो और भी ज्यादा डेस्परेट हो चुका है, अपने मोनोलॉग छापे जा रहा है। अभी भी वो अपनी लाइफ से परेशानी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई भी ठीक ठाक चली, अदर बच्चों की पढ़ाई भी ठीक ठाक है और सारे बच्चों ने अपना गोल सेट कर लिया है, यानी कि अपना एम सेट कर लिया है। और ये शो बेसिकली बहुत लोगों की प्रॉब्लम थी कि ये शो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। अपने टाइम से वो 11th में ही फंसे हुए थे अपने टाइम से, अब जाकर के 12th में आया तो लोगों की वो सारी जो शिकायतें थी वो दूर कर दी। इस शो ने पूरा जेई अपना मेंस एंड एडवांस पूरा कवर किया हुआ है एंड जाते जाते शो के एंड में एक ऐसी चीज कर दी हुई है जो शो के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है एंड एक ऐसा मेन कैरेक्टर जो शो को छोड़ देगा, वो आपको शो देख करके पता चलेगा। तो आओ बढ़ते हैं इस शो की कुछ अच्छी चीजों के ऊपर। इस शो की पहली अच्छी चीज है स्टोरी लाइन को लेकर। जहां बात करें इस सीरीज की, जो कहानी है बहुत ही ज्यादा डेप्थ में दिखाई हुई, जहां हमारे जीतू भैया का डिप्रेशन एंड बच्चों की कॉन्शियसनेस, जो बच्चे परेशान होते हैं कैसे लड़ते हैं, अपने एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करते हैं, डीपीपी सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम है, तो वो चीज बहुत सही वे में दिखाया हुआ है। दूसरा, शो की सबसे अच्छी बात है ये एक स्लो पेस्ड शो है, यानी कि धीरे धीरे हर चीज को हर एक कैरेक्टर के ऊपर रोशनी डालता नजर आता है। जैसे कभी वैभव के ऊपर बना दिया, तो कभी मिनल के ऊपर बना दिया, तो कभी अदर कैरेक्टर से बना दिया, तो ऐसे धीरे धीरे करके बनाया जाता है। अगर बात करें हम सीरीज की सबसे खतरनाक और बेस्ट चीज की, तो इस सीरीज में रही परफॉर्मेंस को लेकर। जहां पे इस सीरीज की सबसे बेस्ट स्टीलर शो परफॉर्मेंस रही वो रही है मिनल की, जिसने भाई बहुत ही अच्छी एक्टिंग की एंड पूरा स्टीलर शो रहा है, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ द सीरीज। एंड जीतू भैया के परफॉर्मेंस भी ओके रहा। बाकी वैभव भैया ने अपना मोनोलॉग अभी भी यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, जो शो को देखकर थोड़ा सा जो कभी रुकता नहीं, यानी कि वो कार्तिक नारायण टाइप का मोनोलॉग वाला स्टाइल उनका वो देखने को नजर आता है। अब बात करते हैं शो के नेगेटिव इंपैक्ट के ऊपर। जहां पे शो का सबसे बड़ा इंपैक्ट, बैड इंपैक्ट आता है कि ये अपने इमोशन को खो चुका है, यानी कि हम जिस तरीके से शो से कनेक्ट थे, बहुत अच्छे तरीके से दिल से कनेक्ट थे, वो कहीं ना कहीं इस शो जो है वो खो चुका है एंड वो बात अब इस शो में नहीं नजर आती इस सीजन में। अगर बात करें इसके एपिसोड 4 और 5 जब आप देखोगे तो उसी में ही जेई मेंस एडवांस सब एक ही शो में निकाल दिया हुआ है, जबकि एडवांस के लिए एक अलग सीजन 4 बनाते तो बहुत अच्छा निखर के आता, पर नहीं, उसके लिए सीजन 4 भी नहीं बनाना। तो प्रॉपर मैं बोलूंगा दिस सीरीज इज अ गुड सीरीज, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल मेकर्स हैं या डायरेक्टर हैं वो शो डायरेक्ट नहीं किए, एक अदर डायरेक्टर को बुलाया गया टीवीएफ कंपनी में एंड उसने इस सीजन 3 को डायरेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं वो ओरिजिनल टेस्ट मिसिंग है। बाकी बात करें दिस इज अ वेरी गुड टू वॉच, मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को 3 stars out of 5। बाकी देखने का है तो देखो, बाकी अगर तुम कोटा फैक्ट्री लवर हो गए तो तुम्हें कहीं ना कहीं ये शो ठीक ठाक सा लगेगा। बाकी मुझे भी ऐसा ही लगा, मुझे ओरिजिनल टेस्ट कहीं ना कहीं मिसिंग लगा। बाकी जाते जाते शो ने कुछ ऐसा कर गया जो उसे नहीं करना था। बाकी अभी तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो मुलाकात होगी बहुत जल्द।